ओके चलिए स्टूडेंट, सो लेट अस बिगिन विद दिस. दिस इज ओम्स लॉ अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली ओम्स लॉ अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो हमारे पास में ये सेल है, इसका EMF, दिस कैपिटल E स्टैंड्स फॉर EMF. तो ये आपका कैपिटल E, कैपिटल E इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. सो व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन और द एनर्जी स्पेंड इन मूविंग अ चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट. अभी ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, चार्ज को आप पूरे सर्किट में घुमा रहे हो, उसके लिए जो आपको एनर्जी चाहिए, दैट इज योर EMF. दूसरा अपने पास टर्म होता है V, एंड V इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. सो V स्टैंड्स फॉर PD, या उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. अब अगर आप ध्यान से फॉर्मूला देखोगे ना, तो ये दोनों चीज आपको सेम ही दिखाई सुनाई देगा, पर ये दोनों चीज सेम नहीं है, इसमें थोड़ा सा फर्क है. पोटेंशियल डिफरेंस क्या देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनर्जी स्पेंड और इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ईएमएफ में क्या बोला था हमने, इट इज द एनर्जी स्पेंड और द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज अराउंड अ कंप्लीट सर्किट. तो ईएमएफ में आपका ज्यादा काम हो रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस में आपका कम काम हो रहा है. यहां पर आप ये सिर्फ आर को क्रॉस करते हो. इट इज लाइक सेइंग कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक झाड़ू पोछा दूध ले लो और एक फ्लैट में झाड़ू लगाओ, दैट इज दिस. बट अगर मैं आपको बोलू इस फ्लोर पे जितने फ्लैट है सब में चक्कर मार के आ जाओ, तो देन दिस इज दिस. सो ईएमएफ में क्या होगा, ईएमएफ में द चार्ज इज मूव्ड अराउंड द कंप्लीट सर्किट. पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. नाउ थिंक एंड टेल मी, कौन सा बड़ा वैल्यू होगा, ई बड़ा की वी बड़ा? ई बड़ा की वी बड़ा? ई. वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है कि ई विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वी. सो ई बड़ा की वी बड़ा, तो ई वी से हमेशा बड़ा. So the value of E will always be more than the value of V. Now what does this I represent? Current. Capital R kya hai? Capital R is external resistance. कैपिटल आर रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये वो है जो अपने को दिखाई देता है. वो आपका छोटा वाला रेजिस्टेंस हो सकता है, वो आपका रियोस्टैट हो सकता है, ये कोई भी डिवाइस हो सकता है. तो कैपिटल आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट के बाहर, यानी इस बैटरी के बाहर है, अपने को दिखाई देगा, इसीलिए उसका नाम है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये जो आपके पास सेल या बैटरी आप इधर यूज कर रहे हो, इसके अंदर खुद का, इसका जो खुद का रेजिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस. सो इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा आर एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. नाउ नॉर्मली अगर आप देखो तो ये दोनों किसमें है, they are connected in series. तो इस सर्किट का अगर आप टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे, तो इट विल कम आउट टू बी आर प्लस स्मॉल आर.
the total resistance of the circuit will be capital R plus small. Now, let us quickly write down the list of formulae that we can get from the theory that we have discussed. So, formulae ke hisab se dekhiye, V, which is same as V, it is going to be work upon charge. So E or V, ये दोनों चीज का फॉर्मूला सेम, इनका यूनिट सेम, बट E का वैल्यू हमेशा बड़ा. वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. सो जूल पर कूलम विल बी द यूनिट. इफेक्टिवली इट इज नोन एज वोल्ट. व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ वन कूलम. अब अगर E डिफाइन कर रहे हो तो आप बोलोगे वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट, तो E का डेफिनेशन. When one joule of work is done moving a charge across the external resistance, so then that is your potential, yeah, potential difference. Okay, now let's come across. Video is blur. Okay. अब देखिए आप कुछ improvement लग रहा है आपको. अब ठीक है वेदांत. Okay, so यहाँ पर देखिए, अब let's come to whatever we have spoken about. ये जो E है, we are saying it is the work done in moving the charge once around the complete circuit. मतलब आप दो resistance पार करवाते हो. Capital E की मदद से आप दो resistance पार करते हो. एक capital R, दूसरा small r. तो यहां पर देखिए प्लीज, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई इन टू स्मॉल आर. तो ये होता है आपका ई एम एफ. जबकि व्हाट इज V? V हो जाएगा अपने पास सिर्फ आई आर. अब ये दोनों मुझे मिल गया ऊपर के इक्वेशन में. V सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. देखो आपका नया इक्वेशन, देखो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर. तो ये अलग अलग फॉर्मूले हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिविंग टू मी इन द क्वेश्चन. आई विल डिसाइड कि मैं क्या यूज करूंगा. तो जो अपने पास गिवन है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला क्या यूज करना है वो डिसाइड कर सकते हो. तो अगर आपको स्मॉल आर चाहिए, सो वी कैन राइट दिस एज ई माइनस वी अपॉन आई. ये देखो वी को इधर ले लो, IR बचा, I नीचे गया, तो ये आपके पास स्मॉल आर आ गया. सपोजिंग यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द वैल्यू ऑफ I, तो आपको I चाहिए, तो I के लिए आप लिख सकते हो E अपॉन R. सो दिस विल गिव यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूले. अब क्वेश्चन में ध्यान से देखने का, अगर उसने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, या तो वो आपको बोलेगा निग्लेक्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, या उसने इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा भी नहीं है और आपको लग रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस का कहीं पे कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है, देन दैट आर कैन बी निग्लेक्टेड. बट वो जनरली 10th तक होता था. 11th और 12th में जो भी आप इलेक्ट्रिसिटी करोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आर का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. इन केस नहीं है तो वो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा. सो अगेन, इंपॉर्टेंट सेट ऑफ फॉर्मूले फ्रॉम द प्रॉब्लम्स पर्सपेक्टिव. तो ये हम लोग ने सेल का यूटिलाइजेशन देख लिया,
Now let us connect the cells in series and in parallel, and now let us study them कि क्या इनका इफेक्ट होते हैं या सेल को सीरीज में लगाने से क्या मिलने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास दो सेल है जो आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ठीक है। नाउ थिंक एंड टेल मी कि इसका जो वोल्टेज है उसका क्या होगा। ध्यान से देखो, ये भी ये समझो वन है, ये टू है। नाउ आई विल शो यू अनदर वे ऑफ कनेक्टिंग इट। पहले ये समझ लीजिए, तो यहां पर ये V1 V2 पॉजिटिव नेगेटिव, सो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट की रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा की रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, एक्सेलेंट। तो इस केस में जो आपका टोटल V आपको मिलेगा, इट विल बी V1 प्लस V2। अगर आप E1 लिखना चाहते हो तो ये आपके पास E1 और E2 ऐसा भी लिख सकते हो। तो कैपिटल E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, वी कैन डू दैट। अगर आप इसको V नहीं लिखना चाहते हो, E रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो दैट इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट। जो आपने ले लिया E1, ये आपने ले लिया E2, तो आपको E मिलेगा E1 प्लस E2। मतलब जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज जो है या EMF जो है वो क्या हो जाएगा, बड़े। EMF increases, मतलब जब हमको वोल्टेज बढ़ाना है, अगर हमारे सर्किट का रिक्वायरमेंट वोल्टेज बढ़ाना है, तो उनको कैसे कनेक्ट करना चाहिए, सेल्स को हमको सीरीज में कनेक्ट करते जाने का, तो मेरा वोल्टेज क्या हो जाता है, तो मेरा वोल्टेज बढ़ सकता है। चलिए आगे देखिए, वोल्टेज बढ़ गया। Now think about the internal resistance. Iska internal resistance R1, iska internal resistance R2. To jo aapka net internal resistance hai, it will be R1 plus R2. To aapka net internal resistance bhi kya hoga? Wo bhi badhega. तो जब आप सेल्स को सीरीज में लगाओगे, देखिए क्या क्या हो रहा है, E इंक्रीजिंग, R इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो E एंड R बोथ द वैल्यूज आर इंक्रीजिंग। ये हो गया मेरा सीरीज कनेक्शन का। आइए पैरेलल में आइए। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू दैट पैरेलल, ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत कम आएंगे आपको, बट जो भी आएंगे वो आप मान के चलना कि वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहेगा, वो इजी नहीं होगा। अगर बड़ा सर्किट है तो उसकी बात करें, तो सपोज आपने ऐसा कोई सर्किट देख रहे हो आप जिसमें ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, now in this case positive positive they will not attract each other, they will repel each other। इसको देखने का और एक तरीका है, इसका करंट निकलेगा इधर, तो दोनों का करंट एक ही तरफ जाएगा। जबकि यहां पर आप देखो, इधर पॉजिटिव से करंट निकालोगे, इधर से पॉजिटिव से करंट निकालोगे, तो ये दोनों करंट एक दूसरे को अपोज करेगा। तो यहां पर जब आप E का वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो इट विल बी बड़ा माइनस छोटा, नहीं होगा ना, करंट क्यों नहीं फ्लो होगा, एक वैल्यू ज्यादा है एक वैल्यू कम है, इफ दे आर इक्वल तो कुछ नहीं फ्लो होगा।
But if they are not equal, E1 and E2, if they are not equal, so it will be bada minus chota. So if you are taking E1 bada, so it will be E1 minus E2, or it can be E2 minus E1. So depending on the values, then you will have to decide if E1 bada ki E2 bada. Par resistance ka kya hoga, soch ke batao. रेजिस्टेंस तो दोनों अभी भी सीरीज में ही है, तो रेजिस्टेंस विल स्टिल गेट एडेड अप. तो जब आप नेट रेजिस्टेंस निकालोगे तो इट विल बी R1 प्लस R2. तो यहाँ पे आपका E का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, बट रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, रेजिस्टेंस हमेशा एड ही होगा. बोलो भाई, ये समझ में आया क्या? अब इससे मिलता जुलता कुछ और सर्किट बना सकते हैं क्या हम लोग सीरीज में ही? सीरीज का और एक आइटम देखो भाई. तो इन सीरीज वी कैन हैव नेगेटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव. अभी भी योर ई इट विल बी बड़ा माइनस छोटा. सो नाउ डिपेंडिंग ऑन अगेन E1 बड़ा की E2 बड़ा. अब अगर अपने आपको उसको सेफ गार्ड करना है तो एक बार आइडिया देखो, इधर नहीं दिखाया, इधर दिखा रहा हूं जानबूझ के ये केस लिया. ऐसा मेरे को दो बार नहीं लिखना है तो मैं ऐसा कर सकता. दोनों में से कुछ तो बड़ा होगा, मॉड डाल दो. बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्या हुआ इधर? सो यहां पर वी आर सेइंग व्हाट एवर इट इज बड़ा माइनस छोटा हम करेंगे. मॉड डालने का मतलब है मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए. 2-3 या 3-2, दैट द वैल्यूज विल ऑटोमेटिकली डिसाइड. 2-3 क्या -1 मिला, मॉड में है मैं 1 ही लिखूंगा. मतलब एक्चुअली मैंने इसके अंदर क्या किया, 3-2. Now, what about the resistance in series? The resistances are going to get added up. So, in dono case mein, R aapko kya milega? R1 plus R2 hi milega. Bolo bhai, samajh mein aa raha hai ki nahi? तो सेल्स इन सीरीज का फायदा क्या है या कब लगाया जाता है सेल्स इन सीरीज? प्लीज रिमेम्बर, जब भी हमको वोल्टेज बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो ही अपना वोल्टेज बढ़ेगा. पर अगर आपके पास कोई ऐसा सर्किट है जहां पर आपको वोल्टेज कांस्टेंट रखना है पर करंट को बढ़ाना है, ऐसे केस में वी विल स्विच टू द पैरेलल कनेक्शन. अब पैरेलल कनेक्शन को ऑब्जर्व कीजिए इधर. दिस इज ई, दिस इज ऑल्सो ई. E1 E2 ले लो. बट याद रखो पैरेलल में वोल्टेज सेम. इससे करंट निकला I1, इधर से करंट निकला I2, बट नेट करंट क्या हो गया आपका I1 plus I2. तो जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो क्या बढ़ जाता है, करंट का वैल्यू बढ़ जाता है. अगर मैं ऐसा तीन लाइन कनेक्ट कर दूं तो I1 plus I2 plus I3, पांच लाइन हो जाएगा, तो I1, I2, I3, I4, I5, तो I का वैल्यू विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो पैरेलल में बेसिकली क्या बढ़ता है, आपका करंट बढ़ता है. तो अगर आपको करंट बढ़ाना है तो कौन सा कनेक्शन यूजफुल है,
parallel connection is useful for increasing the current. Now think logically and tell me, what will happen to the resistance? इसका नेट रेजिस्टेंस क्या बोलते हो, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा कि कम होगा? पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. सपोज टू एंड टू आर इन पैरेलल तो आंसर इज वन. फोर एंड फोर इन पैरेलल आंसर इज टू. टेन एंड टेन इज इन पैरेलल आंसर इज फाइव. तो हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से द रेजिस्टेंस विल ऑलवेज डिक्रीज. यू विल गेट 1/R एज 1/R1 प्लस 1/R2. इसको सिंप्लीफाई करोगे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा. सो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2. सो प्लीज रिमेंबर, इन केस ऑफ पैरेलल the resistance of the circuit, of this cell circuit, it will decrease. अभी बाहर का circuit बाकी है, ये पूरा circuit नहीं है, ये इस जगह की बात हो रही है. इस जगह पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, या इस जगह पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है. ये बाहर का part तो रहेगा ही, तो external resistance will still exist. तो वो बात की बात है. फिलहाल हम इस battery के साथ क्या हो रहा है उसका अंदाजा लगाने की कोशिश करो. तो सीरीज पैरेलल, ये समझ में आया आपको? अब सुनिए, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें इतना ही जानकारी दिया है. व्हाट वी विल डू इन टुमारोज क्लास, हम लोग वी विल स्टडी अप टू एन सेल्स इन सीरीज. ऐसा एन सेल सीरीज, ऐसा n cells parallel, and then we will also go for something which is known as combination. मतलब क्या? मतलब series and parallel. तो ऐसा multiple cases भी हम लोग देखेंगे. तो it will be तीन type, series n तक लेके जाएंगे, parallel n cells का study करेंगे, and we will go for the combo also. तो इसमें सीरीज में भी है एंड पैरेलल में भी है, इन तीनों का स्टडी करेंगे. रीजन इज ये वाला जो टाइप है इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इन द एंट्रेंस एग्जाम, क्योंकि ये पूछते ही उसको आप वो आपको दोनों का टेस्ट कर सकते हैं. एक इसका क्वेश्चन उसने पूछा तो उसमें आपको सीरीज के कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आपको पैरेलल के कॉन्सेप्ट भी लगाने पड़ते हैं. तो वो एक क्वेश्चन में आपके मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को चेक कर लेता है. इनफैक्ट ये जो हमने लिखा है ये सारा कुछ भी इधर काम में आ जाएगा. सो डोंट मिस आउट ऑन टुमारोज सेशन, दैट विल बी फ्रॉम द एनसीईआरटी. तो 12th का एनसीईआरटी रहेगा, आपको कुछ लाने का जरूरत नहीं है. डोंट वरी अबाउट दैट कि वो बुक वुक का क्या करना है. जस्ट द थिंग इज कि ये वाला पार्ट आज जो हमने किया इसको सिर्फ आपको अच्छे से रिवाइज करना है. बिफोर द लेक्चर बिगिंस 10 मिनट पहले बैठ के ये एक बार सारा कुछ देख लीजिएगा, रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल रिवाइज कर लीजिएगा, तो अपना काम हो जाएगा. ये वाला ये आपके टेक्स्ट बुक में 216 के आसपास देखना, 216 चेक 216 के आसपास का पेज नंबर उधर आपको मिलेगा, 215 के बाद ही मिलेगा. ओके भाई ले लो, इसका पिक ले लो. Done, sir.